कक्षा 11वीं हिंदी गद्य खंड के चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे। लगातार मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कंप्लीट करवा रहा हूँ। आपका चैप्टर नंबर एक का जो वीडियो है मैंने डाल दिया था, उसमें सभी एमसीक्यूज उसके कंप्लीट हो गए। कुल टोटल उसमें 35 प्लस एमसीक्यू नमक का दारुगा के कंप्लीट करवा दिए थे। आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पहले इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। इसकी रचयिता जो है कृष्णा सोबती हैं, इन्होंने ये पाठ लिखा है। मियां नसीरुद्दीन पाठ के सभी एमसीक्यू हम कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो ये सारे एमसीक्यू जो है नए तरीके से जितने भी बन सकते हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है, और जो आपके पिछले वर्ष में पेपर में रिपीट हुए हैं उन सभी को डाला गया है। तो इससे बाहर पेपर में आने की संभावना नहीं है, तो इनको आप ज़रूर से कंप्लीट कीजिएगा। और एक बार आपको चैप्टर पूरा पढ़ लेना है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, है ना। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? तो पत्रकार की हैसियत से गई थी। क नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र है या रिपोर्टाज है? देखिए, ये आपको सभी चैप्टर्स का पता होना चाहिए, बिल्कुल सभी का याद कर लीजिए। रचनाकार का नाम याद कर लीजिए, है ना, रचनाकार का, और क्या करना है आपको, और उसकी विधा विधा कौन सी है। इसमें क्या होता है आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल लिख के ले लो, कि 4 नंबर तो आपके कंप्लीट हैं ही, क्योंकि सही जोड़ी में भी इसी से पूछा जाता है कि एक तरफ विधा देते हैं, एक तरफ चैप्टर का नाम दे देते हैं या फिर कवि का नाम दे देते हैं। और व्याख्या में तो आपके 2 नंबर पक्के ही समझ लो कवि के नाम से, है ना, चैप्टर का नाम, कवि का नाम बिल्कुल पक्के समझ लो। तो ये आपको सभी याद कर लेना है, बिल्कुल सब के सब, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपका, कि मियां नसीरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है? तो हम हस्मत, समय सरगम, शब्दों के आलोक में, मित्रों मरजानी। तो इसका आंसर आपका रहेगा हम हस्मत, है ना, इस संग्रह से लिया गया है ना। ये भी कई चैप्टर में ये कई बार क्वेश्चन पिछले आया है ना, मतलब इसका तो नहीं मैंने देखा कि आया हो, लेकिन जो आत्मपरिचय है उसका पूछा गया था, है ना, जूझ कविता का पूछा गया था, और जो पतंग है उसके बारे में भी, है ना, और ये पिछले चैप्टर में है कविता के बहाने, है ना, तो उसका भी याद रखिएगा, वो मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, वीडियो देख लीजिएगा। मियां नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कृष्णा सोबती। जो भी आंसर आपको पहले से पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, है ना। क्वेश्चन रहेगा आपका, मियां नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? बिल्कुल सभी को पता होगा जिसने भी चैप्टर पढ़ा है यहाँ पे, है ना, 24, 40, 44 या 56, है ना। तो 56 प्रकार के भोग होते हैं, 56 भोग आपने सुना होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन जो थे 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे, है ना। तो 56 आपको आंसर याद रखना है इसका, घा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन नानबाइयों के क्या माने जाते थे? तो मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का सागिर्द कहा जाता था, या उस्ताद कहा जाता था, या मसीहा, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताएगा, इसका आंसर रहेगा गा नंबर का ऑप्शन, मसीहा, है ना। मियां नसीरुद्दीन को जो है नानबाइयों का मसीहा कहा जाता था, मसीहा, ओके, याद रखिएगा, नानबाइयों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा था? तो खालाजान से, बड़ी साज से, या वालिद उस्ताद से, या मनो मोना साज से। तो यहाँ पर वालिद उस्ताद से इन्होंने यहाँ पर रोटी, किस्म किस्म की रोटियाँ बनाने का जो है इल्म सीखा था, वालिद उस्ताद, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मियां नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से मशहूर थे? तो बरकत शाही नानबाई गढ़वा वाले, या कल्लन शाही नानबाई मिर्जा वाले, या खालिद शाही अपरैया वाले, है ना, यहाँ पे गढ़िया होगा, गढ़िया वाले, है ना, नानबाई गढ़िया वाले। तो यही आपका आंसर है, बरकत शाही नानबाई, नानबाई गढ़वा वाले या गढ़िया वाले, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया है? तो बाकर खानी, सीरमाल, या ताफ तान, या ये सभी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, ये सभी, जो ये सभी रोटियाँ हैं, जो बाकर खाने हो गई, ताफ्तान हो गई, सीरमाल, तो ये भट्टी पर पकने वाली रोटियाँ हैं ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन संस्मरण में लेखिका ने किस बादशाह का नाम लिया है? तो शाहजहाँ का, बहादुर शाह जफर का, औरंगजेब का, शेरशाह सूरी का, बादशाह की बात की गई यहाँ पे, है ना, किसका नाम लिया है मियां नसीरुद्दीन ने? तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर का नाम लिया है, हाँ, तो ये आप याद रखिएगा बिल्कुल से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन ने किस रोटी को पापड़ से ज़्यादा महीन बताया है? तुनको, ताफ्तान, खमीरी, गाजेबान, है ना, ये रोटियों के नाम हैं, अलग अलग प्रकार की बनाई जाती हैं। तुनको, है ना, इसका आंसर रहेगा आपका तुनको, है ना, तुनको यहाँ पे जो है
पापड़ से ज़्यादा महीन इसको बनाया जाता है, मतलब पतली बनाई जाती है तुनको रोटी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मियाँ नसीरुद्दीन किसे नठल्ला समझते हैं, तो अखबार बनाने वाले को, अखबार पढ़ने वाले को, या का और खा दोनों को, है ना। तो दोनों को वो बिल्कुल नठल्ला समझते हैं, है ना। कहते हैं कि अखबार मतलब पढ़ने वाले क्या टाइम वो करते हैं, तो यही इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है रिक्त स्थान आपके रहेंगे। मियाँ नसीरुद्दीन खालिस्तान किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे, तो 56, है ना, 56 प्रकार की, 56 किस्म की रोटियां बना लेते थे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, खालिस्तान पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, तो तुनकी रोटी जो है पापड़ से भी ज़्यादा महीन बनाई जाती है, यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे इसके। अगला क्वेश्चन है आपका, मियाँ नसीरुद्दीन ने खालिस्तान के कंचे हम पर फेर दिए, हमारे वालिद मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाई खालिस्तान गढ़िया वाले के नाम से, है ना। तो ये यहाँ पर देखिए ये नाम दिए गए हैं, ये आंसर दिए गए हैं यहाँ पर। थर्ड में आपको आँखों के कंचे हम पर फेर दिए कहना है, और हमारे वालिद मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से। और कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछा गया है। कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम की खालिस्तान भी बड़ी चीज़ होती है, तो तालीम ही यहाँ पर भरना है, आंसर में ही क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में ही आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो इतने होते हैं आपके कंप्लीट। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर, तो मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है, तो यह एक शब्द चित्र है यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ मिलती थी, तो मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले में, है ना। तो उनके जो वालिद थे, अब्बाज उनके थे वालिद, है ना, उस्ताद, तो वो भी यहाँ पर क्या थे, गढ़िया वाले के नाम से फेमस थे, तो मटिया महल के गढ़िया वाले, गढ़िया मोहल्ले में इनकी दुकान थी। मियाँ नसीरुद्दीन ने किस्म किया कि मतलब किस कितने किस्म की रोटी बनाने का इत्त किससे हासिल किया, है ना, किस्म किस्म की, है ना, यहाँ पे भी किस्म है, किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म जो है, इल्म यहाँ पे है, इल्म किससे हासिल किया था, तो अपने वालिद मियाँ बरकत शाही से, है ना, जो कि गढ़िया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, मियाँ नसीरुद्दीन अपने शागिर्दों को कितनी मजदूरी देते थे, तो 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदा की, है ना। तो ये देते थे वो, है ना, रोटी को वो खुद बनाते थे, और ये आटे आटे को गूंथने वाले जो लगे हुए थे, तो मन एक मन आटा अगर गूंथेगा कोई तो उसे 2 रुपये देते थे, और 4 मन मन पर मन मैदा के 4 रुपये देते थे। इसके बाद है, मियाँ नसीरुद्दीन की भट्टी पर कौन कौन सी रोटियाँ पकती थीं, तो बकर खानी, सोरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजीबान, तुनको आदि, ये सारी रोटियां जो है मियाँ नसीरुद्दीन बना लेते थे, है ना। इसी प्रकार के वो 56 रोटियां बनाने में जो है सक्षम थे, है ना। तो इस तरीके से आपके सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के होते हैं कंप्लीट। इनको यदि आपने कंप्लीट कर लिया, तो इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और पिछले चैप्टर का वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, और इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर का, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा ही चुके हैं, तो आप वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। और आपको PDF कैसे मिलेगा, है ना, जल्द ही PDF प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जल्द ही लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।